उसके लिए मैं आपको पहले दिखाऊंगा कितने आपको मैं कहता हूँ पूरे बढ़ दो पूरे कर दो इसका वो प्रीति जिंदा वाला कट रखो बड़ी सुन लेगी मैं ज्यादा चला जाता हूँ जाके किसी को बुला भी लेता हूँ अच्छा घर पे ही बुला लेते देखो ये होता है मतलब चलती है सर की ठीक है चलेगी मेयर साहब अपने घर पे बुला लेगी यार तो योग आ जाएगी सर डिटेल बताएंगे जम्मू वालों अपने अखिल जो है ना वो जम्मू में आने वाले हैं एंड अखिल कौन से हैं वही मैं जदो तेरे ख्वाब वाले रात तो रेया वही हैं तो कब आ रहे हैं वो अखिल जी हम तो यही कहते हैं भाई सोडा पियो भाई सोडा पियो हमें पियो हमें फायदा हो जाता है और क्या गुड मॉर्निंग बकलोल चंदन वेलकम बैक टू द बकलोल टीवी व्लॉग सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ जानीपुरी वाली साइड और संजीव भाई को मैंने वहाँ पे बुलाया क्योंकि वहाँ पे सुनने में आया कि रोड ब्लॉक किया गया है प्रोटेस्ट हो रहा है एंड सुबह सुबह इसी खबर के साथ जो है हमारी शुरुआत होगी तो चलो चलते हैं वहीं पर डायरेक्ट और देखते हैं क्या हो रहा है तो यहाँ पर रोड ब्लॉक कर दी गई थी लेकिन अभी जो है खाली करा दी गई है ये राहुल जी इंटरव्यू करते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो अभी यहाँ से निकलूँगा मैं संजीव तो लेट हो गया था तो मैंने कहा रहन दे भाई तू प्रेस क्लब भी मिल मुझे हिमांशु भाई भी प्रेस क्लब ही मिलेंगे चलो प्रेस क्लब चलते हैं अब यहाँ से डायरेक्ट प्रेस क्लब आ चुके हैं हम और हमारे प्रेस क्लब में एक ही बंदे फेमस है ना इन्हें मीडिया वाले ना कोई जर्नलिस्ट वो छुप रहे हैं भैया ये बंडी भैया ज़रा सामने आना बंडी भैया चलो बंडी भैया सामान दे रहे हैं बंडी भैया बड़े फेमस है यहाँ पे चाय पानी कोल्ड ड्रिंक सब यही पिलाते हैं बंडी भैया आपकी चाय में उफान आ चुका है तो अभी मैं आया हूँ सुप्रीतिका के घर के बाहर उनको पिक करने हमने यहाँ से जाना एक सैलून की ओपनिंग हो रही तालाब तिलो वाली साइड वहाँ पे और मैं पिछले 5 मिनट से ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ देखते हैं और कितना वेट करना पड़ता है सुप्रीतिका का आपने 10 मिनट फिर वेट कराया मुझे धूप में मैं तुझे कल क्या डिसाइड हुआ था 1:30 डेढ़ बजे पहुँचना है 1:26 आई डेढ़ बजे पहुँचने की बात हुई थी ठीक है यार चलो तो यहाँ पे एक माइनर एक्सीडेंट हुआ सब ठीक है ऑटो स्कूटी की टक्कर है और देखिए रॉन्ग साइड में आ रहा था जहाँ तक ऑटो वाला रॉन्ग साइड से आ रहा था स्कूटी से ठुक गया मेरे ख्याल से थोड़ी सी लगी है बट ठीक है सारे तो तला दिलो पहुँच चुके हैं हम ग्लैम बॉक्स हेयर एंड ब्यूटी यहाँ पर नया सैलून जो ओपन हो रहा है सो लेट्स गो क्या हाल और कैसे हो बस बढ़िया ऑल गुड तो यहाँ पे रिबन कटिंग के लिए आए हैं चंद्र मोहन को और चंद्र का केला खाने जैसे अच्छा रहता है तो ग्लैम बॉक्स में सर आया आज आप ओपनिंग हुई है नेता सैलून की क्या बोलोगे देखो जी जितना खूबसूरत बन के आप घर से निकलोगे उतना स्वस्थ भी आप काम करोगे हेल्दी काम करोगे और ब्यूटी एड्स कर to your profession also bilkul. So you every man woman should be looking beautiful aesthetically aur apni health ka dhyan rakhna kya baat hai aesthetically bhi beautiful hona chahiye dekha kal bhi humne bahut badi baat keh di acha sir waise to garmi bahar aise hi bahut zyada pad rahi hai khud socha ki thoda aayi gaye to head massage wagera karai le main free ho ke aunga abhi rush bahut hai maza nahi aayega inke aapke liye khali karwa denge sir main aaram se aunga kisi shaam ko yahan baithenge dono bhai chalo pakka aur hamare mayor sahab bhi hamare saath hai sir aap se main ye puchna chahunga aap khud time nikal ke salon mein kab matlab jaate ho मैं इतना बिजी हूँ आप लोगों ने जम्मू वासियों ने ऐसा काम दिया हुआ है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाना और
जम्मू का काम करना आसान काम नहीं है, फिर भी जब मुझे समय मिले तो मैं जा तो चला जाता हूँ, जाके किसी को बुला भी लेता हूँ। अच्छा घर पे ही बुला लेते? देखो ये होता है मतलब चलती है सर की, ठीक है चलेगी, मेयर साहब है अपने घर पे बुला लेगी यार, तो ये आ जाएगी समय हो। अच्छा सर ऐसे आपको सब कुछ संभालना वगैरह पड़ता है, म्युनिसिपैलिटी ये वो, तो इल्जाम भी बड़े लगते हैं ना आपके ऊपर, कुछ भी हुआ तो पकड़ लो मेयर साहब, है ना होता है ना, जो काम करता है इल्जाम उसी पे लगते हैं, आए हाय जो करता ही कुछ नहीं है उसको। चलो बढ़िया सर, अब आप रसगुल्ला खा सकते हैं, मैं अपने हाथों से खिला चाहता हूँ आपको, ये आपको खिलाता रहूँ मैं। पक्का काजू शाह को मेरे बड़े कौन सा प्यार हो गया, आई लव यू टू काजू शाह, आई लव यू, थैंक यू। सो गाइस आज इनकी इनॉग्रेशन हुई है ग्लैम बॉक्स वालों की, हम आए ही थे तो अब मैं सोच रही हूँ कि ना एक ट्राई देके देखूँ कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है उसके बाद जेन्युइन रिव्यूज दूंगी तो आप उसके अकॉर्डिंग विजिट कर सकते हो। सो आज हमारे साथ ग्लैम बॉक्स के एडी भी गए हैं, वैसे मैं ना लेंथ कॉन्शियस काफ़ी ज़्यादा हूँ, तो आज आप करने क्या वाले हो? अभी हम करेंगे थोड़ी ट्रिमिंग देके आपको स्टाइलिंग देंगे। ओके और बाकी लेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करना, लेंथ बिल्कुल शॉर्ट छेड़ उसके लिए मैं आपको पहले दिखाऊंगा कितने आपको, या मैं कहता हूँ पूरे बढ़ दो, मैंने पूरे कर दो वहाँ, इसका वो प्रीटी जिंदा वाला कट रखो बड़ी सुन लेगी, व्यूवर्स को नया चेहरा दिखेगा सर, इधर प्रीटी जिंदा वाला कट बहुत अच्छा लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ट्राई करके देखो एक बार, है ना प्रिटी जिंदा वाला कट करेंगे, ठीक है अच्छा लगेगा। आपको जो मैंने बोला ना आपने वही करना है, ठीक है इसकी नहीं सुननी बात है, ठीक है हम थोड़ी ट्रिमिंग ही करने जा रहे हैं। तो ये सुप्रीतिका हो चुकी है रेडी, मैं क्या किया है बोलो, ये हमने स्टाइलिंग की और थोड़ी ट्रिमिंग दी है। सुप्रीतिका कैसा फील हो रहा है? प्रीटी जिंटा वाला करता है ना, बोल रहा था बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं मानी नहीं मानी शक्ल तुम्हारी वैसे कंधी लग रहा है, चक्कर है तुमने तो बाल कटवा दिए, लोगों ने यहाँ पे आना तो एड्रेस वगैरह भैया बताओ क्या, पट्टा पौड़ी पड़ता है तालाब तिलो पे, ये पुंछ हाउस में पड़ता है, पुंछ हाउस जहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उसकी इधर साइड पे ही है। मैं आपको इजी वे में समझाती हूँ, कन्वेंशन सेंटर है तरातलो पे, आप एड्रेस में डालोगे बिल्कुल सीधा आगे आते जाना, आपके सिटी वाली साइड से राइट साइड ही आएगा द ग्लैम बॉक्स, ऊपर पड़ लेगा ग्लैम बॉक्स, शेयर एंड ब्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो जरूर बिल्कुल। और भैया कुछ हटके जैसे मैं स्पेशली हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं, हमारा कलर का बहुत ज्यादा आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो हमारा इंस्टाग्राम पे एडी हेयर स्टाइलिस्ट है, ग्लैम बॉक्स सैलून मेकअप स्टूडियो है, दो तीन हमारे पेजेस है उन पर कलर चेक कर सकते हो, जम्मू के अंदर मुश्किल ही कोई ऐसे कलर करता है जैसे हम लोग। अच्छा इनका दावा ये है कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कलर स्टाइलिंग भी डिफरेंट है, बकलोल जनता के लिए स्पेशल जो हमारा नाम लेके आएगा कितना डिस्काउंट बिल्कुल उनको देंगे, कोई 25% डिस्काउंट 25% नगरोटा सुप्रीतिका को पता नहीं है लेकिन हम जा रहे हैं नगरोटा, और वहाँ पे क्यों जा रहे हैं वहाँ पे जाके बता। कहना चाहेंगे आप? तो अभी हम IIT जम्मू के बाहर है और यहाँ पे हम किसी से मिलने के लिए आए हैं, यहाँ पे एक फेस्ट होने वाला है बहुत जल्दी जिसकी डिटेल्स आपको देंगे, तो फिलहाल उस बंदे का इंतजार हो रहा है, फिर उसके बाद बताता हूँ आपको आगे का। और अंकल हमसे मिलने के लिए आए, अंकल क्या हाल चाल आपके, ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत ठीक हो, नहीं टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है मैं बताती हूँ क्या होगा, उसके बाद हम चाय पी के घर जाएंगे, तो ये नहीं गया आज। हाँ सुप्रीतिका चाय के साथ साथ आज लंच भी करवाने जा रही है मुझे, कहती बहुत दिनों से मैंने कुछ खिलाया नहीं है, जहाँ गूगल पे होगा आज का हर जगह चलता है यार गूगल पे, क्या बात कर रही हो तुम भैया, आपने चाय पी ली?
माली रख लेते हैं। इन्हीं गर्मी में चाय पूछ रही नहीं कि कोल्ड ड्रिंक पूछे है ना भैया। चाय पीता है वो बंदा चाय नहीं छोड़ सकता है ना। आपने चाय पीना कोल्ड ड्रिंक आप बताओ। तो विशाल जी आ चुके हैं हमसे मिलने के लिए। तो विशाल जी कल्चरल सेक्रेटरी भी हैं और यहाँ पे जो फेस्ट होने जा रहा है आईटी में उसमें कन्वेयर भी हैं, तो ये सारी डिटेल बताएंगे। और जम्मू वालों अपने अखिल जो है ना वो जम्मू में आने वाले हैं। एंड अखिल कौन से हैं? वही मैं जदों तेरे ख्वाब वाले रात रे आ वही हैं। तो कब आ रहे हैं वो अखिल जी? अखिल का शो है जी 16 मई को शाम को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और 15 मई को भी हमारा एक EDM नाइट होगी जिसमें DJ जूबी, DJ वैन मून और DJ रोहन शनॉय आएंगे और सबको अपने गानों पे डांस कराएंगे। तो ये वैसे EDM क्या होता है? EDM होता है बेसिकली DJ होता है जिसमें अलग अलग साउंड्स को ऐड करा जाता है ताकि और इंटरेस्टिंग बने। तो मतलब मजा करना है बस और कुछ नहीं है ना। बढ़िया। तो ये जो अखिल वगैरह आ रहे हैं जितना भी फेस्ट हो रहा है बाहर की जनता अलाउड है ना? बाहर की जनता खूबल सर इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट कर रहे हैं वही ना। तो इनवाइट कर रहे हैं आप सबको IIT वाले कि आ जाओ, फेस्ट है। कल से इनॉग्रेशन जो है वो हो जाएगा। कल यानी कि कौन सी डेट को? कल 14 को इनॉग्रेशन होएगा। 14 को हमारा इंटरनल इवेंट है, 15 से सबके लिए ओपन है। 15 से ओपन है, आ जाओ IIT में, ग्रैंड मस्ती जो है वो होने वाली है। हम तो जरूर आएंगे ही आएंगे। और टिकट्स वगैरह हैं क्या है? जी टिकट्स हैं, 2 दिन के लिए एक ही टिकट है जो कि 300 रुपीज की है सब पब्लिक के लिए। क्या बात है। तो 300 रुपए की टिकट है 2 दिन के लिए, वो भी वैलिड है, मतलब मजे ही मजे हैं। 16 को अखिल जी भी आएंगे, उनसे भी गाने सुनेंगे। तो आ जाओ सारे यार, IIT इन्वाइट कर रहे हैं आपको। और टिकट्स वगैरह कहाँ से लेनी है? IIT जम्मू यहाँ पे आके ही लेनी पड़ेगी, मतलब ऑन स्पॉट मिल जाएगी। ऑन स्पॉट मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। 9650886180 मेरा नाम विशाल। तो कर लो कांटेक्ट और ले लो टिकट्स और आ जाओ। गुड बाय सुप्रीतिका, बाय बाय, टेक केयर। अब आप जैसी मार सकते हो, ठीक है लड़की? थोड़ी सी टैनिंग होगी आपको आज यार। तो नगरोटा से आ चुके हैं हम और सुप्रीतिका को कर दिया मैंने बाय, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्ट ऑफिस की तरफ। और धूप से हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी हालत यार, क्या बताऊँ। मतलब मेरी बाजुओं में इतनी ज़्यादा टैनिंग हो चुकी है ना, मैं क्या है यार, बट कोई ना, करना पड़ता है यार काम के लिए। तो चलो चलते हैं ऑफिस। भैया जी एक बढ़िया सा बांटा पिला दो यार, बहुत गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा पिलाना कि मतलब गर्मी भाग जाए। कोई बात नहीं जी, पक्का ना? बिल्कुल भाग जाए। एक गर्मी और भगाने का कोई दूसरा इलाज है? कोई दूसरा इलाज क्या बताएं जी? बताओ जो आपको पता हो, आजमा लें हम भी यार। हम तो यही कहते हैं भाई सोडा पियो, भाई सोडा पियो, हमें बांटा पियो, हमें फायदा हो जाता है और क्या। चलो बांटा ही पियेंगे यार। कहीं जो पुराने लोग हैं ना वो ज़्यादा बांटे को पसंद करते हैं। क्यों बोला ऐसा? क्यों? वो कहते हैं ये बांटा जो है ये प्यास को थोड़ा कम कर देता है। यानी कि लोगों से सुना, हम कौन से डॉक्टर हैं, वो ये प्यास को थोड़ा कम कर देता है। चलो फिर हमारी प्यास भी कम हो जाए। बहुत बढ़िया। दरवाजा खुला रखो वे, हम थोड़ा एसी की आवाज ले रहे थे। हम पता गर्मी में हमारी शक्ल, हमारी बाजू देखो काली हो गई है। ये सोया था कम भगत, ये सोया था है एसी लगा। और ये क्या पकड़ा आपने? स्ट्रेस बॉल? स्ट्रेस बॉल प्लेयर मैंने। क्या बात है, बढ़िया है, सही है ना। तो हमने जोमेटो से ऑर्डर किए थे कुछ खाने के लिए, तो भैया सीधा दरवाजे के बाहर आ गया। आपका ऑफिस पता लग गया? भैया सुट में आप जिम आते हो सुबह, मैंने दिखता। अच्छा आपको जिम का भी पता हमारी, क्या बात है। तो आपको ऑफिस का पता था पहले का? पता था, चलो थैंक यू, देखते हो बगलोल टीवी। हाँ जी, चलो थैंक यू सो मच यार भैया, थैंक यू थैंक यू। देखा क्या हुआ, लोग प्यार करते हैं आपसे। नहीं मेरे से नहीं करते, वो तेरे एक ही बात है। क्या हुआ, क्या कुछ नहीं, डायरेक्ट दरवाजे पे आगे भैया मैं ये कैसे हो गया। कहते मेरे को सारा पता है, आप जिम भी कहाँ जाते हो, आपका ऑफिस का है सारा पता। पैसे दिए जिम भाई। हाँ यार जिम जाना है यार, जिम 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 जाना है यार, जिम जाना है। तो समझ चुका रात के 10 बजे ऑफिस खत्म करने के बाद मैं आ चुका हूँ घर। और ये पैर छूने आया मेरा छोटा भाई गौरव, और क्या हाल चाल तेरे?
ठीक है बढ़िया बढ़िया ठीक है। मिस तो नहीं किया मेरे को? हाँ किया। कितना? बहुत ज्यादा। चलो फिर अंदर। गेट बोल बंद करेगा? मैं करता हूँ। गुड बॉय। चलो करो। की पकड़। हेलमेट के अंदर मुंह। और यहाँ पे चल रही है लूडो। क्या बात है, क्या बात है। और मेरे चाचू। हेलो। कौन जीत रहा है? मैं। सारे जीत रहे तो हार कौन रहा? मैं जीत रहा भैया। हार तू रहा। तो ये वक्त आ चुका है व्लॉग एंड करने का। तो मेरे साथ जिगर है। जिगर कुछ बोलेगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोलेगा? लाइक करने को नहीं बोलेगा? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट करो यार, तो जिग नहीं बोल दिया तो चलो जल्दी जल्दी नीचे जाके कमेंट करो। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो करो, क्योंकि 11:30 बज चुके हैं। मुझे इतनी नींद आ रही ना, जितना थका हूँ, लेकिन अभी मुझे व्लॉग एडिट करना है। तो कूलर की हवा अपनी आंखों पर डाल के हुए मैं आज जागूंगा और व्लॉग एडिट करूंगा। ठीक है, तो चलो तब तक आपका फर्ज बनता है कि जाके नीचे लाइक करो। तब तक मैं व्लॉग एडिट करता हूँ और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में सेम एनर्जी के साथ। बाय बाय, शब खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड नाइट बोल। Night. Goodbye. Bye. Tishika. Yeah. Bye. Bye.